Dear students of 9th class, today we will discuss one of the question of the same exercise 4.2 of same chapter polynomial. Before we will discuss our topic, dear students, subscribe my channel ताकि आने वाली हर next video आप तक सबसे पहले पहुंचे और videos share कर लेना अपने friends के साथ, अपने classmates के साथ ताकि वो भी इन videos को देख सके और फायदा उठा सके. Now we will discuss question number 3 of the same exercise 4.2 of the same chapter polynomials. Question है यहाँ पे find the value of k. हमें यहाँ पे question है value of k हमें देखना है, find करना है. If x minus 1 हमारे पास is a factor of px, x minus 1 given polynomial का factor है. Each of the following cases, नीचे हमारे पास polynomials given होंगी, उन polynomials में x minus 1 is factor, ये उनका factor है, तब जाके हमें वहां पे k का value find करना है, question number 2 है. लेकिन इस question number 2 के 4 parts हैं, हम यहां पे 2 parts को discuss करने वाले हैं, first part and fourth part, second and third part of as home assignment कर लीजिएगा. अगर कोई problem होगी comment box में जरूर comment कर लेना. Now we discuss first part of this question, that is solution of first part. We have हमारे पास px is equal to px, हमारे पास given polynomial x square plus x plus k, ये हमारे पास given polynomial है. इसी polynomial का x minus 1 is factor of px, ये तो given है. Also, we have, हमारे पास क्या है, x minus 1 is factor of, x minus 1 is factor of px, जो हमारे पास given है. जब ये इस px का factor है, by factor theorem, अगर px कोई polynomial होगा, greater or equal to, degree is greater or equal to 1, x minus a is factor if p of a is equal to 0. ये हमारे पास factor theorem का statement है. यहाँ अगर p of a equal to 0, x minus a is factor. दोनों तरीकों से आप इस statement ले सकते हैं. px is polynomial, degree is greater or equal to 1. x minus a is factor if p of a equal to 0. If p of a equal to 0, x minus a is factor. दोनों हाथों में स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर तैयार. यहां पे वी हैव x minus 1 इज फैक्टर ऑफ px, x minus 1 इज फैक्टर ऑफ px, px इज x square plus x plus k, ये गिवन पॉलीनोमियल है. इट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस ऑफ फैक्टर थ्योरम. जब गिवन कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी, x minus 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, तब जाके यहां पे जो a होगा, a क्या मिलेगा, यहां पे x minus 1 इज फैक्टर, इस x minus 1 को इससे कंपेयर कर लेंगे हम, we get here a is equal to 1, तब जाके हमें यहां पे p of 1 0 के बराबर होना चाहिए. dear students, remember this, x minus 1 is factor of this, then by factor theorem p of 1, 1 कहां से आ गया, when we compare this x minus a with x minus 1, here a is equal to, a हमारे पास यहां पे 1 है. Now, then by factor theorem, factor theorem क्या, factor theorem से क्या मिलेगा हमें, p of 1 is equal to 0, p of 1 हमें 0 के बराबर मिलेगा. ये p of 1 यहां से हमें, replace in given polynomial x by 1, we get here p of 1, that is p of 1 जो हमारे पास है, that is equal to यहां पे 1 square plus 1 plus k, यही हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर, that is 1 plus 1 it is 2 plus k equal to 0, और k हमारे पास किसके बराबर आ गया, k is equal to minus 2, first part होगा. इसी तरह हमें second part भी इसका
इसलिए मिलेगा, वो भी आसान है, जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया इसी तरह सेकंड पार्ट के लिए हम कर सकते हैं, फोर्थ पार्ट सॉरी। वी हैव हमारे पास गिवन पॉलीनोमियल जो है दैट इज पीएक्स, पीएक्स इज हियर याम एक्स, इट इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, ये हमारे पास गिवन पॉलीनोमियल है। सेम एक्स माइनस वन इज फैक्टर, एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पीएक्स, वी हैव एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पीएक्स, ये इस पीएक्स का फैक्टर है, पीएक्स का फैक्टर। क्लियर, इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ फैक्टर थ्योरम। हियर ए इज इक्वल टू, व्हेन वी कंपेयर दिस विद दिस, हियर ए इज इक्वल टू ए, यहां पे हमारे पास वन के बराबर है, देन बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से हमें क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, फैक्टर थ्योरम पी ऑफ वन इट इज इक्वल टू जीरो, बट पी ऑफ वन किसके बराबर है, पी ऑफ वन इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसमें वन सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज के इंटू वन रेज पावर थ्री माइनस थ्री इंटू वन प्लस के, यही जो पी वन है जीरो के बराबर है, दिस इंप्लाइज अस इट इज के इंटू वन रेज पावर थ्री दैट इज के माइनस थ्री प्लस के, इट इज इक्वल टू नाउ जीरो, और किसके बराबर मिलेगा, दैट इज के प्लस के बिकम्स टू के, ये थ्री राइट साइड में जाएगा, इट बिकम्स माइनस थ्री बिकम्स प्लस थ्री, और के इज नाउ इक्वल टू थ्री बाई टू, इस तरह यहां पे भी के का वैल्यू हमें आ गया। इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।